रसूलों के अमाल तीसरा बाब जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। पत्रस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पत्रस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पत्रस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था और उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पत्रस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदे की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पत्रस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इसराइलियो, इस पर तुम क्यों ताजुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, इसके हम गवाह हैं। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी। और अब ऐ भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुना मिटाए जाएं और इसी तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएं। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकरर हुआ है यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक के वो सब चीजें बहाल ना की जाएं, जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा
वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, बल्कि सैम्बल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा। जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे, खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे।